स्टोन की समस्या का नाम सुनते ही अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, और जब बात किडनी स्टोन की हो तो बात कुछ गंभीर हो जाती है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। जब हमारी किडनी किसी कारण से खराब हो जाती है तो इसे शरीर में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे ही। आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं और आज हम आपको बताएंगे किडनी में स्टोन होने के कुछ कारण और उसके संकेत। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का विषय और जानते हैं किडनी स्टोन के बारे में कुछ जरूरी बातें। किडनी स्टोन को गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है। ये शरीर में इकट्ठा होने वाला क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो किडनी के अंदर बनता है। जब हम अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो इसके साथ ही आप पानी का सेवन कम मात्रा में करते हैं, तो इससे किडनी सही तरह से डिटॉक्स नहीं हो पाती, जिसके कारण शरीर में जमा हार्ड मिनरल्स स्टोन का रूप ले लेते हैं जो किडनी स्टोन की समस्या को जन्म देता है। किडनी स्टोन की समस्या को नेफ्रोलिथियसिस भी कहा जाता है। अगर सामान्य भाषा में किडनी स्टोन की समस्या को समझा जाए तो यूरिन में पाए जाने वाले कई तरह के केमिकल्स एलिमेंट जैसे यूरिक एसिड, फॉस्फेट, कैल्शियम और ऑक्सलेट एसिड के कारण किडनी में स्टोन बनता है। अगर किडनी स्टोन के प्रकारों के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स और सिस्टाइन स्टोन्स। चलिए अब जानते हैं किडनी में स्टोन की समस्या होने पर शरीर में कौन से लक्षण नजर आते हैं। यूरिन रिलीज करने में दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट में दर्द और ऐठन बनी रहना, यूरिन में ब्लड आना, उल्टी जैसा मन होना, यूरिन में स्मेल आना, बार बार यूरिन रिलीज होना, खुलकर पेशाब ना आना, बुखार आना और पसीना निकलना। अगर आपको ऐसे संकेत अपने शरीर में नजर आते हैं तो ये आपके किडनी में स्टोन की समस्या को बताते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं किडनी में स्टोन किस वजह से बनता है और इसके क्या कारण होते हैं। कम मात्रा में पानी पीना किडनी स्टोन का कारण बनता है। यूरिन में केमिकल के बढ़ने से भी किडनी में स्टोन की दिक्कत हो जाती है। जब शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो इससे किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। जब लोग कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है जो किडनी में स्टोन को बनाती है। शरीर में विटामिन डी बढ़ने से भी किडनी में स्टोन की दिक्कत बन सकती है। जो लोग अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं तो उन्हें भी किडनी स्टोन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये हैं कुछ कारण जो किडनी में स्टोन की दिक्कत को बढ़ा सकते हैं। इन सभी आदतों को अपनी लाइफ से दूर करना ही बेहतर होगा, इससे आपकी किडनी में स्टोन जैसी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं कौन सी डाइट आपकी किडनी में स्टोन की दिक्कत को बढ़ा सकती है। जो लोग अपनी डाइट में नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी किडनी में स्टोन की दिक्कत बन जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में नमक यूरिन में फॉस्फेट को बढ़ा देता है जो किडनी में स्टोन का निर्माण करता है। इसके अलावा जो लोग अधिक मात्रा में कैल्शियम वाली चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे उनकी किडनी में स्टोन बनता है। हाई अमाउंट में दूध, दही, लस्सी, पनीर और चीज़ का सेवन किडनी में स्टोन बनाने में भरपूर योगदान देता है। कुछ लोग फ्रेशनेस के लिए कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं जो पीने में बेशक स्वादिष्ट लगती है, लेकिन ये आपकी किडनी में स्टोन के बढ़ने का कारण बनती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन और चीनी के साथ साथ केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है जो किडनी में स्टोन का निर्माण करती है, साथ ही ये लीवर को भी डैमेज कर देती है। तो ये हैं कुछ डाइट जो किडनी में स्टोन का कारण बनती हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी डाइट में ऐसी किसी भी चीज़ को शामिल ना करें जो आपकी किडनी में स्टोन को बढ़ाती हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए आप कर्मायुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार मिलता है जो पूरी तरह सफल है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ आपको कुशल डाइटिशियन मिलेंगे जो आपको डाइट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। पूरा मतलब शरीर में पानी डायलिसिस जो चल रहा था, लेकिन जब आपके यहाँ से दवा लिया गया तो दो महीना बाद, हाँ दो ही महीने के बाद,
ज्यादा बढ़िया हो गया। हाँ वही, जैसे कि बेड पे बैठते थे वहाँ से आके बालकनी में बैठ जाते थे। बहुत अच्छा, दो महीने में जब डायलिसिस से बाहर आ गया जब कोई, तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।